नमस्कार, मैं ऋतु ठाकुर आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल रेसिपी स्क्वाड डॉट कॉम में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एग रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग रोल बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है, उसके बाद में 4 एग्स ले लेंगे हम, 1 गिलास पानी, क्यूक्यूम्बर लिया मैंने हाफ कट करके बिल्कुल बारीक बारीक, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे हम, 1 चम्मच चाट मसाला, लेमन लेंगे हम एक टुकड़ा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच केचप लेंगे हम टोमेटो सॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डो तैयार करेंगे। तो नमक डाल दिया मैंने इसमें आधा चम्मच, मिक्स करेंगे नमक को, तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे हम। ऑयल डालने के बाद में अच्छी तरह से हाथों से रब करते हुए हमें मिक्स कर लेना है ऑयल और मैदे को। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद में हम डो तैयार करेंगे, और जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं डो वैसे ही। तो हमारा जो डो है वो तैयार है। अब हम इस डो से पराठे तैयार कर लेंगे। तो पराठे तैयार करने के लिए यहाँ पर हम डो लेंगे थोड़ा, तो जो हम पराठा तैयार करेंगे वो पतला होना चाहिए, शेप ज़रूरी नहीं है राउंड हो। थोड़ा ऑयल लगा लेंगे हम चकले पे और अब बढ़ा लेंगे, तो जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही। तो देखिए हमने पराठा तैयार कर लिया है, तो शेप आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि राउंड ही हो, तो पतला होना चाहिए। देखिए बिल्कुल पतला है ये पराठा जो है। तो उससे पहले हम क्या करें, यहाँ पे जो अंडे हैं तो मैं एक पराठे पर मैं 2 अंडे यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 अंडे फोड़ लिए हैं, इनमें थोड़ा नमक डाल देंगे अभी हम, बिल्कुल थोड़ा नमक डाल दिया है देखिए, और अच्छी तरह से फेंट लेंगे अब हम। तो अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने ये, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे और पैन को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पराठे को सेक लूँगी, तो पराठा डाल दिया मैंने पैन पर, पैन गरम किया, ग्रीस भी कर लिया था, तो अब पराठे को हम सेक लेंगे। तो बबल्स आ गए हैं देखिए, तो अब मैं पराठे को पलट रही हूँ, तो देखिए जो ब्राउन कलर की चीतियाँ हैं वो पराठे पर आ चुकी हैं। तो फिर से मैं थोड़ा ऑयल लगा दूँगी पराठे पर, सेक लेंगे अच्छे से। तो मैंने रोटी फिर से पलट दी है, अच्छी तरह से सेक लिया है पराठा, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्राउन चीतियाँ आई हैं। तो मैंने 2 पराठे बना लिए हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे ही रोटी भी बना सकते हैं आप। तो ऑयल डालेंगे हम फिर से पैन में, उसे ऐसे अच्छी तरह से फैला लेंगे पैन में, पैन को गर्म किया, ऑयल भी गर्म हो चुका है अब। तो अब जो मैंने अंडा फेंट कर रखा था वो डाल देंगे पैन में और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो हाफ़ कुक करेंगे हम, जो ऊपर वाला पार्ट है वो हाफ़ कुक हो जाना चाहिए। तो देखिए अभी जो अंडा है वो हाफ़ कुक हो चुका है, तो ऊपर से ऐसे पराठे को हम रखेंगे और प्रेस कर देंगे, तो अच्छी तरह से जो अंडा हमने पैन में डाला था वो उसे पका लेंगे अच्छे से। तो चेक करेंगे एक बार हम, तो अभी साइड से भी पका लेंगे, देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल पक चुका है ये। तो मैं यहाँ पर एक पराठे पे 2 अंडे का जो फेंट लिया था मैंने वो यूज़ कर रही हूँ, 2 अंडे को।
तो एक प्लेट में निकाल लेंगे हम पराठे को। अब तो अब सबसे पहले केचप लगाएंगे इस पे, टमाटो सॉस। तो ये जो रेसिपी है आप जब बनाकर देखेंगे तभी पता चलेगा कि कितनी टेस्टी बनती है ये, और बनाकर देखने के बाद में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मैंने टमाटो सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, उसके बाद में मैं इसमें अनियन रख रही हूँ। क्यूक्यूम्बर डाल देंगे। तो जो अनियन और क्यूक्यूम्बर है वो बिल्कुल बारीक बारीक कटे होने चाहिए। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी बारीक बारीक काट कर यूज़ कर सकते हैं। अब हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो हरी मिर्च आप मत डालिए। ऊपर से चाट मसाला डाल देंगे हम, और जो लेमन था उसका जूस डाल देंगे इस ऊपर से ऐसे। तो अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ऊपर से केचप भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा डाल दें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। और ऐसे उठा करके हम ऐसे रोल कर लेंगे फिर, तो हमारा जो एग रोल है वो बनकर तैयार है। तो देखिए हमारा एग रोल बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है, बिल्कुल यमी एग रोल बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।